की टीचर है मिस नियति कालरा मैम, वो बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। उनका एक एक अगर वो कार्बन का बॉन्ड पढ़ा रही है ना, तो मतलब कार्बन की पूरी लाइफ हमें पता लग जाती है। मैंने 9th में ज्वाइन किया है एंड इट्स बीन 4 डेज कि मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। मैं संदीप सर और सांकला सर से पढ़ रही हूँ। पहले पूरा बेस क्लियर होता है, उसके बाद प्रोसीड करते हैं आगे ताकि चैप्टर पढ़ने में दिक्कत ना हो, एंड फिर चैप्टर भागता है, फिर आपको पता भी नहीं लगता कि भाई कब खत्म हो गया चैप्टर। मैं फिजिक्स के टीचर मिस्टर योगेश चौहान सर इतने अच्छे से बेसिक्स और फिजिक्स को इतना अच्छा कराते हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता कि एक घंटा कब चला गया, मतलब क्लॉक को देखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सांकला क्लासेस करनाल की ऐसी कोचिंग क्लासेस जो पिछले 25 सालों से इस्टेब्लिश है, यानी कि 1999 से, और इतने सालों में पिछले 25 सालों में बहुत से टॉपर बच्चे दे चुके हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, आपको कितने बच्चे यहाँ पर दिखाई देंगे, जेई नीट यहाँ के टॉपर्स निकल चुके, सीबीएसई जहाँ पर कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करवाई जाती है, और साथ ही साथ सिलेबस जो रहता है स्कूल का उसकी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है। स्कूल्स की अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, इनके स्कूल्स के प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। कुरुक्षेत्र के मैं गुरुकुल की बात करूं, कन्या गुरुकुल या गीता निकेतन, एंड प्रेजेंट अगर मैं बात करूं करनाल के निशान पब्लिक स्कूल के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है। फिलहाल अगर आज की मैं बात करूं, आज मैं सांकला क्लासेस पहुंची हूं जहां पर एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है। अगर मैं अंदर चलती हूं, आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं, 7th स्टैंडर्ड से लेकर 11th स्टैंडर्ड तक के यहां के स्टूडेंट्स यहां पर पहुंचे हैं जिनका यहां पर एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है। और अगर मैं बात करूं जिससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, इस एग्जाम से बच्चों का लेवल पता चलेगा, और साथ साथ जो फर्स्ट रैंक जिन बच्चों की आने वाली है 5100 रुपीज उन्हें प्राइज मिलने वाला है, सेकंड रैंक वाले बच्चों को 3101 का प्राइज मिलने वाला है, थर्ड रैंक वाले स्टूडेंट्स को 2100 का प्राइज मिलने वाला है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बच्चे यहां पर जो है एग्जाम देते हुए दिख रहे हैं। बाकी सांकला क्लासेस के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, यहां पर हमारे साथ इंजीनियर योगेश चौहान जी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनसे बातचीत करते हैं और थोड़ा और सांकला क्लासेस के बारे में जानते हैं। सो हेलो सर। हेलो मैम। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे सांकला क्लासेस के बारे में और आज के इसके जो एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों का चल रहा है? थोड़ा बाहर आ जाते हैं, चलते हैं कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। जी, बाहर चल के सर से बातचीत करते हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? और मैंने ये सुना है कि आप शामली से हैं और यहाँ करनाल पहुँचे हैं आप, तो ऐसा क्या आपको सांकला क्लासेस में खास लगा कि शामली छोड़कर करनाल में सिर्फ सांकला क्लासेस ज्वाइन किया? देखिए मैम, अगर कम शब्दों में एक बात बोलूँ सांकला क्लासेस के बारे में, तो सांकला क्लासेस का मतलब प्योरिटी। प्योरिटी मेरे को सबसे अच्छी लगी, ईमानदारी से जो काम करते हैं और यहाँ पे जो काम होता है बच्चों के लिए। मैं सांकला क्लासेज को ये सोच के ज्वाइन नहीं किया कि यहाँ पे करनाल में मुझे बिजनेस करना है, कल को मेरे भी बच्चे हैं। और अगर मैं देखूँ पूरे करनाल में और आसपास मुजफ्फरनगर शामली में, तो वो कौन सी एकेडमी रहेगी जिस पर खुद मैं अपने बेटे को और बेटी को आगे IIT या नीट के लिए बच्चों को डालना चाहूँगा। जब मैं, और ऐसा नहीं कि आज से मैं देखा है सांकला क्लास, 2015 से मैं देखते आ रहा हूँ लगातार, तो जो केयरिंग बच्चों को यहाँ पर मिलती है, जो सपोर्ट मिलता है और जो नीट एंड क्लीन तरीके से बच्चों के रिजल्ट्स यहाँ पे निकाले जाते हैं, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसकी वजह से मन किया कि यहाँ पे काम करना मुझे चाहिए। और हमारी जितनी भी फैकल्टी है, चाहे इवन SK शर्मा सर है जो आज की डेट में मुजफ्फरनगर की टॉप 1 फैकल्टी है, 24 ईयर्स का IIT के मैथमेटिक्स के बहुत ज़बरदस्त टीचर है, उनका एक्सपीरियंस है 24 ईयर्स। अगर वो अपनी बेटी का एडमिशन करनाल के सभी एकेडमीज पे वो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर मैं अपनी बच्ची का एडमिशन कराऊँ नीट के लिए, तो कुछ तो बात होगी। क्योंकि इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद इंसान क्या चीज़ जज कर रहा है एकेडमी में बैठ के, वो मैं भी नहीं कह सकता उन्होंने क्या जज किया, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि वो अपनी बेटी का एडमिशन यहाँ पर करा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, हमारा जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है, ज़्यादातर एकेडमीज क्या करती है, मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस करती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा काम कर रहा है बच्चा, बच्चा ही दूसरे बच्चे को लेके आ रहा है, इसका मतलब बच्चा हमारे यहाँ पे सेटिस्फाइड है। तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बच्चों की केयरिंग और उनकी स्टडी, दूसरा हमने जो कंसेप्ट चलाया है जी, जनरली क्या देखा है हमने, जो बच्चे कोचिंग लेने जाते हैं नीट IIT की, उनका शॉर्ट ट्रिक सिखा के उनका कॉम्पिटिटिव तो ठीक हो जाता है, बट बच्चा CBSE में पिछड़ जाता है, उनका रिजल्ट बहुत डाउन चला जाता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी जब मैंने सांकला सर से चीज़ डिस्कस की कि सर बच्चों का CBSE पीछे नहीं रहना चाहिए जी। बच्चा कॉम्पिटिटिव में अच्छा कर रहा है लेकिन CBSE में परसेंटेज उसकी डाउन है, हमें दोनों को बैलेंस लेके चल रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हर सब्जेक्ट के दो दो टीचर अपॉइंट किए, एक टीचर जो CBSE बहुत अच्छे से कराएगा,
चार दिन CBSE की क्लास चलेगी, जिस टॉपिक पे क्लास होगी उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन बाद के दो दिन कराए जाएंगे। तो वीक में 6 डेज यहाँ पे क्लास होती है। तो ये बहुत अच्छी बात सर ने बोली कि बैलेंस जो बनाया जाता है वो CBSE का भी और कॉम्पिटिशन का भी। अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे पिछड़ जाते हैं CBSE की अगर मैं बात करूँ। सर ने कहा प्योरिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दी, बच्चों की केयरिंग की बात करी, शामली से खुद यहाँ पर आते हैं, मुजफ्फरनगर से एक जो है SK शर्मा की बेटी यहाँ पर पढ़ने आती है। सर बहुत आपने बोला कि चीज़ें अट्रैक्ट की तो मैं यहाँ पर आया। वही मैं बात करूँ, एक क्लास में हम देखने को मिलते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स हो जाते हैं, 50-50, 60-60 बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सांखला क्लासेस में क्या इस चीज़ पर देखा जाता है कि बच्चों को इंडिविजुअली किस तरीके से ध्यान दिया जाए जी पर? इसके लिए हमने क्या किया है मैम, ताकि बच्चों की क्वालिटी निखर के आए, बच्चे पर ध्यान दिया जाए, एक बैच के अंदर हमने सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को ही बिठाने का डिसीजन लिया है और उससे ज़्यादा हम एक बैच में बच्चे बैठाते नहीं। अगर हमारे पास 22 बच्चे भी हैं तो 2 बच्चे हमारे अदर बैच में जाते हैं, उनके लिए अलग से एक बैच बनाया जाता है। तो 20 से ज़्यादा बच्चे हम कवर नहीं करते एक बैच के अंदर। तो ये हमारा इससे क्या रहता है, बच्चों की ऊपर ध्यान दिया जाता है अच्छे से। हम बच्चों को देख सकते हैं क्या कर रहा है, उसके डाउट्स ले सकते हैं, टीचर पर्सनली बात कर सकता है, टीचर के पास टाइम निकल आता है बच्चे से बातचीत करने का। तो ये सब चीज़ें हमने 20 स्टूडेंट्स की लिमिट जो लगाई है यही सोच के लगाई है ताकि बच्चों की क्वालिटी पर ध्यान दिया जा सके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो डिसीजन लिया गया 20 स्टूडेंट्स का। वहीं आप लोगों को बता दूं, अगर बाकी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं कि वो भी यहाँ पर एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास अभी भी वक्त है क्योंकि ये अभी सिर्फ फर्स्ट राउंड चल रहा है, सेकेंड राउंड 28 अप्रैल को होने वाला है। तो आप लोग भी पहुँच सकते हैं अगर एग्जाम देना चाहते हैं 7th to 11th। और जो आपको मैंने प्राइज बताया है, फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट्स को 5100 का प्राइज रहने वाला है, सेकेंड रैंक वालों को 3100 एंड थर्ड रैंक वालों को 2100 प्राइज मिलने वाला है। वहीं आप लोगों को एक और बात बता दूं सांखला क्लासेस के बारे में, जयपुर में जो एक एजुकेशन हब कोचिंग हब बनने वाला है वो गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट है जिसमें हरियाणा से सांखला क्लासेस को चुना गया, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग सोच सकते हैं 1999 से एस्टेब्लिश्ड है, तो आप लोग भी अगर चाहते हैं अपने बच्चों का चाहे वो बेस क्लियर करना हो, कॉम्पिटिशन के साथ CBSE भी बैलेंस बनाना हो, तो आप पहुंच सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं और स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे और किसी दूसरी क्लास में चलते हैं SK शर्मा की, जिस तरीके से सर ने बताया कि उनकी बेटी यहाँ पर पहुंची है, साथ साथ सांखला सर से भी बातचीत करेंगे। सो एग्जाम जो है ना खत्म हो चुका है और मेरे जो स्टूडेंट्स वो मेरे साथ खड़े हैं, उनसे जानते हैं सांखला क्लासेस के एक्सपीरियंस के बारे में और आज के एग्जाम के बारे में, कैसा एग्जाम रहा। सो चलते हैं, देखते हैं किससे बातचीत करते हैं, इनसे बात करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? कनिका। कनिका, आज का एग्जाम कैसा रहा पहले तो मुझे ये बताओ। बहुत बढ़िया। एज मैंने 9th-10th में ज्वाइन करा था तो सर ने, सांखला सर और संदीप सर ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा था एंड मेरा बिल्कुल बहुत बढ़िया एग्जाम गया। मेरे मतलब 6 मार्क्स कट सकते हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा वो। एंड 11th में मैंने अभी ज्वाइन करा है, बहुत बढ़िया टीचर्स हैं। एज मैंने नॉन मेड विद बायो लिया है तो सारी फैकल्टीज़ बहुत बढ़िया, मतलब हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं वो, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। देखो कितना ना मतलब रियल होके बता रहे हैं कि बहुत अच्छा रहा, अच्छा चलो 6 मार्क्स कट सकते हैं। कुछ और स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज तक्षिमा। तक्षिमा, आप कब से हैं यहाँ पर सांखला क्लासेस में, कब ज्वाइन किया? आई ज्वाइंड अ वीक अगो। सो मैं स्टार्टिंग में मेरे बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, अब धीरे धीरे मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन, सेफ एंड कम्फर्टेबल है। अब तक मैं योगेश सर से फिजिक्स और सांखला सर से बायो पढ़ चुकी हूँ, मैथ्स में हमने मैथ्स भी पढ़ी है, मैंने बहुत सब कुछ मुझे समझ आ रहा है यहाँ पर। तो एग्ज़ाम भी बहुत इजी था, मेरे को सारे आते थे, उसमें से मिनिमम मेरे 5 कट सकते हैं, बाकी मुझे बहुत इजी लगता था। यहाँ सारे टीचर्स का बिहेवियर बहुत नाइस है। तो मतलब इन्होंने सिर्फ 1 वीक पहले ही ज्वाइन किया, दैट मीन्स एक डेमो क्लासेस चल रही है तो उसमें ही इनको जो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लगा। कुछ और स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? युविका। युविका, आपको कैसा लगा सांखला क्लासेस के साथ और कब से हैं आप सांखला क्लासेस? मैंने 9th में ज्वाइन किया है एंड इट्स बीन 4 डेज कि मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। मैं संदीप सर और सांखला सर से पढ़ रही हूँ। पहले पूरा बेस क्लियर होता है, उसके बाद प्रोसीड करते हैं आगे ताकि चैप्टर पढ़ने में दिक्कत ना हो, एंड फिर चैप्टर भागता है, फिर आपको पता भी नहीं लगता कि भाई कब खत्म हो गया चैप्टर। तो बढ़िया चल रहा है। तो मतलब बेस क्लियर कर जाता है फिर तो भाई चैप्टर भागता है। यहाँ के स्टूडेंट्स जो जिस तरीके से बता रहे हैं ना, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है सांखला क्लासेस में? आपने कब ज्वाइन किया था सांखला क्लासेस? मैंने सांखला क्लासेस को क्लास 10th में ज्वाइन किया था, मेरी बोर्ड की क्लास थी एंड जैसे सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन रहता है कि हमारी क्लास 10th की बोर्ड्स कैसे जाएंगे, मेरा क्लास 10th में इतना स्मूथली सारा सिलेबस कवर हुआ है, इतने अच्छे से डाउट्स क्लियर हुए कि मतलब रिजल्ट की तो कोई टेंशन नहीं है। और अब मैंने 11th-12th में IIT क्लियर करने के लिए सांखला क्लासेस को ही अपना कोचिंग सेंटर एज माई गाइड चुना है और यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छी हैं। फिजिक्स के टीचर मिस्टर योगेश चौहान सर इतने अच्छे से बेसिक
बेसिक्स और फिजिक्स को इतना अच्छा कराते हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता कि एक घंटा कब चला गया, मतलब क्लॉक को देखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और मैथ्स के सर मिस्टर एस के शर्मा, उनकी मैथ्स, वो मैथ्स को डिग करके पढ़ाते हैं, एक एक कंसेप्ट को निकाल निकाल के पढ़ाते हैं, मतलब IIT क्लियर करना उनके लिए, उनके स्टूडेंट्स को बहुत ही आसान हो जाता है। एंड उसके बाद हमारी केमिस्ट्री की टीचर है मिस नियति कालरा मैम, वो बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, उनका एक एक अगर वो कार्बन का बॉन्ड पढ़ा रही है ना तो मतलब कार्बन की पूरी लाइफ हमें पता लग जाती है। तो बहुत अच्छी फैकल्टी है, अगर आप भी सांखला क्लासेस को ज्वाइन करते हो मतलब आपका IIT तो क्लियर है। IIT तो क्लियर, जैसे समझा रहे थे मुझे चल रहा था मेरा लेक्चर चल रहा है, मुझे कुछ समझाया जा रहा है, मुझे कुछ बताया जा रहा है। तो कुछ और स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? सार्थक। सार्थक, पहले तो आज का एग्जाम कैसा गया? ठीक था, इजी था, अच्छा था। और सांखला क्लासेस कब ज्वाइन की थी आपने? मैंने 9th-10th में ज्वाइन करी थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? एक्सपीरियंस बिल्कुल स्ट्रेसफुल बिल्कुल भी नहीं था, आराम से सारे वो सब्जेक्ट पढ़े, किसी चीज़ की कभी टेंशन नहीं, आराम से हर चीज़ ऐसे क्लियर करते थे। हाँ, एक लेक्चर लो वो चीज़ दिमाग में बैठेगी। फिर 9th-10th आई, पेपरों में बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं, ऐसे भी नहीं कि कुछ भी। फिर अभी मैंने यहाँ पे 11th-12th के लिए लिया एडमिशन, या फिर अभी सारे फैकल्टी जैसे कि सभी बढ़िया हैं यहाँ, जैसे कि हर चीज़ को ऐसे आप आओगे ना इंजॉय करोगे क्लास को, सिर्फ बैठोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, इंजॉय करोगे हर चीज़। जैसे कि यहाँ पे हमारे सारे टीचर्स एस के शर्मा सर हो गए, वो मैथ का हर एक चीज़ ऐसे डीप में पढ़ाते हैं ना कि उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। जैसे कि आपने कोई भी कॉम्पिटिशन के लिए जाना हो, IIT JEE वगैरह, यहाँ पर सारे टीचर पूरे बढ़िया पढ़ाते हैं भाई। ये तो मैं सांखला सर से ज़रूर पूछने वाली हूँ। सारे बच्चे कह रहे हैं स्ट्रेस फ्री है, बिल्कुल एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगता है, हमें इंजॉय करते हैं हम लोग। IIT तो बस चुटकियों में क्लियर हो जाएगी, बच्चे इतना ज़्यादा मतलब खुश हैं, कॉन्सेप्ट्स उनके बेसिकली क्लियर हो रहे हैं। तो थोड़ी देर में सांखला सर से भी बातचीत करते हैं, इन बच्चों से तो बातचीत हो चुकी, एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया, कुछ और सांखला क्लासेस के बारे में कुछ और जानकारी भी लेंगे थोड़ी देर में। सांखला क्लासेस के डायरेक्टर सांखला सर आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। वहीं आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि सांखला क्लासेस में +1 +2 जो है अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है, तो इसके बारे में जानते हैं कि इतने वक्त से जो इतना एक्सपीरियंस था, पढ़ाई चल रही थी, बहुत से टॉपर्स जो है यहाँ से दिए गए हैं, तो +1 +2 जो अब लॉन्च की गई है क्या रीजन है? सो डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, सांखला सर है, उनसे बातचीत करते हैं। तो सांखला सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या रीजन रहा जो इस साल आपने +1 +2 भी लॉन्च की है? मैम, मायसेल्फ एसएल सांखला एंड डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। हमारा +1 +2 करनाल में इस साल लॉन्च हुआ है, बट हमारा +1 +2 बीते 2-3 साल से हिमाचल में और कुरुक्षेत्रा में काम कर रहा था। कुरुक्षेत्रा के अंदर 2 स्कूल्स हैं, बहुत बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल है, कन्या गुरुकुल है और एक गीता निकेतन है, वहाँ हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और हिमाचल के अंदर हमारा सेंटर था, हमने +1 +2 करनाल में इस साल लॉन्च किया है। उसके पीछे लॉजिक ये है, सांखला क्लासेज 99 से एस्टेब्लिश है, सांखला क्लासेज इस शहर को CBSE के 10th क्लास के टॉपर्स देता आया है और बहुत बच्चे हैं। सांखला क्लासेज ने बच्चों के टैलेंट को देखते हुए, उनके कैलिबर को देखते हुए, उन बच्चों को IIT में नीट में एक्सेल करे उसके लिए बच्चों को हमने कोटा भेजा, चंडीगढ़ भेजा, दिल्ली भेजा, बट इट वॉज़ ए बैड एक्सपीरियंस। सांखला क्लासेस के बच्चे हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट कोचिंग सेंटर्स में गए हैं, वहाँ भी कई बच्चे हमारे ख़राब हुए हैं। रीजन बीइंग, जो बड़े कॉरपोरेट कोचिंग सेंटर्स हैं ये ड्रीम सेलिंग करते हैं, आपके बच्चे ने मेडिकल लिया, यू विल गेट सिलेक्टेड इन नीट एंड आपका IIMS में सिलेक्शन हो जाएगा, आपके बच्चे ने नॉन मेडिकल लिया है, आपके बच्चे को हम IIT में सिलेक्ट करा देंगे। उस ड्रीम सेलिंग के चक्रों में पेरेंट्स ह्यूज फीस देते हैं और बच्चा किस लेवल तक कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है उस चीज़ का देखा नहीं जाता है। तो सांखला क्लासेस के कई बच्चे ख़राब हुए। सांखला क्लासेस 9th-10th में उन बच्चों की फाउंडेशन तैयार करता है और बच्चा जब उस डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे तो बड़ा दुख होता है जी। तो सांखला क्लासेस को ने ये 2-3 साल से इस बारे में सोच रहा था कि जब हम बच्चों का फाउंडेशन इतना तैयार करते हैं तो बच्चा उस डेस्टिनेशन तक पहुँचना चाहिए, उसी सोच के लेके हमने इस साल ये लॉन्च किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के फ्यूचर को ध्यान रखा जाता है। जैसे योगेश सर से भी बात की तो उन्होंने बोला कि बच्चों की केयरिंग पर ध्यान दिया जाता है, प्योरिटी यहाँ पर जो रहती है, जो बेस बनाया जाता है 9th-10th में, सर ने वही चीज़ बोली, तो ताकि +1 +2 में भी वो आगे जाकर जो अपना करियर है बेहतरीन तरीके से आगे फॉलोअप कर सके। सांखला क्लासेस के बारे में मुझे एक और बात पता चली है, वो सर से मैं एक बार बात करती हूँ तो वो पता करते हैं। सर, मुझे पता चला कि आप लोगों ने वैदिक एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस की है, तो ये वैदिक एजुकेशन क्या होता है और क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया गया सांखला क्लासेस की तरफ से, ये थोड़ा बताएंगे हमें भी और व्यूअर्स। मैम, वैदिक एजुकेशन बच्चों को स्ट्रेस फ्री लाइफ सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, बच्चों को एंजाइटी डिप्रेशन से कैसे दूर रहें ये सिखाया जाता है।
वैदिक एजुकेशन भगवद गीता और वेदाज की टीचिंग को यूज करता है और वेदाज एंड भगवद गीता की टीचिंग के जरिए बच्चों को फियरलेस बनाया जाता है कि वो IIT नीट जैसे कॉम्पिटिशन को हैप्पीली फेस कर पाए। रीजन बींग कि आज बच्चे हैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स क्या है, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम होते हैं, उनका बहुत बड़ा रिसेप्शन होता है और उस चकाचौंध के अंदर जो पेरेंट्स हैं बच्चे हैं वो फंस जाते हैं। बच्चे का कैलिबर ही नहीं चेक किया जाता कि बच्चा है वो ह्यूमैनिटीज़ लाइक है या बच्चा कॉमर्स लाइक है या मेडिकल में किस लेवल तक है या IIT में किस लेवल तक है। पहले बच्चों का वो लेवल चेक करना चाहिए। हर बच्चे का अपना एक अपना टैलेंट है। ये हमने 3 Idiots मूवी में देखा है, तारे जमीन पर मूवी में हमने देखा है और इस टाइप की जो मूवीज है जिसपे एक सब्जेक्ट होता है मैं हमेशा बहुत देखता हूँ और उनको गहराई से अप्लाई करने की कोशिश भी करता हूँ। तो अब ये जो बड़े कॉर्पोरेट कोचिंग सेंटर्स है ये क्या करते हैं मैम, ड्रीम सेलिंग, सपने बेचने वाला काम। और उस सपने बेचने वाले काम में क्या है, कहीं ना कहीं बच्चे पिस रहे हैं। आज हमने क्या देखा है कि प्लस वन स्पेशली 9th-10th तक के बच्चों का नहीं देखा है, स्पेशली प्लस वन प्लस टू के जो बच्चे हैं उनकी लाइफ के अंदर एक हैप्पीनेस खत्म हो गई है। और वो ये है कि हैप्पीनेस खत्म क्यों, अरे भाई आप IIT की तैयारी करें, आप नीट की तैयारी करें, पूरे उत्साह के साथ करें, फियरलेस होके करें, हैप्पीनेस के साथ करें, आप उस पल को एंजॉय करें जी। वैदिक एजुकेशन बच्चों को ये सब चीजें देगी। वहीं आजकल हम देखते हैं मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है क्योंकि प्रेशर हैंडल करना नहीं आता स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर प्रेशर हैंडल करना भी सिखाया जाता है। सर ने बोला कि फेयरलेसली एंड हैप्पीली जो है उस एग्जाम्स को, उस प्रेशर को आप लोग हैंडल कीजिए। वहीं अगर मैं बात करूँ सर, इस वक्त भी एग्जाम चल रहा है यहाँ पर एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, तो उसके बारे में बाकी स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल अभी राउंड 1 चल रहा है आप लोगों का, राउंड 2 के बारे में और बाकी जो आपका जो प्राइजेज रहने वाले रैंकर्स के लिए उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैम ये जो स्कॉलरशिप एग्जाम है ये कोई हुआ नहीं है, बच्चों को फियर क्रिएट करने वाला काम नहीं है। ये एक बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने का एक तरीका है कि बच्चों को जो 10th class तक के बच्चे हैं उसमें जो 1st rank का बच्चा आएगा उसको 5100 का प्राइज़ मिलेगा, जो 2nd rank वाला बच्चा है उसको 3100 का, 3rd rank वाले बच्चे को 2100 का प्राइज़ मिलेगा, ताकि बच्चा मोटिवेट हो, हाँ यार मैंने सांकला क्लासेस पे एग्जाम दिया था और मुझे 5100 का स्कॉलरशिप मिला है, तो बच्चा एक मोटिवेट हो जाता है। जो प्लस वन प्लस टू वाले बच्चे हैं उनका स्कॉलरशिप क्राइटेरिया अलग है। उन बच्चों को हमने 10-20-30% तक का स्कॉलरशिप डिस्काउंट देंगे ताकि बच्चा है वो मोटिवेट हो और अपना जो भी उसका डेस्टिनेशन है, उसकी जो उसका करियर है उसको देख पाए। सर सेकंड राउंड कब होने वाला है एग्जाम? सेकंड राउंड हमारा 28th April को होने वाला है, ये आज 1st round था। जो बच्चे इस राउंड में नहीं बैठ पाए हैं उनको 28th April को बुलाया हमने और दोनों राउंड्स का रिजल्ट कंपाइल करके फिर स्काउट किया जाएगा। सो अभी भी मौका है उन सभी स्टूडेंट्स के पास जो एग्जाम देना चाहते हैं एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट सांकला क्लासेस पर, और साथ ही साथ जो प्राइज आप लोगों को बताए गए हैं, जो रैंकर्स को प्राइज मिलने वाले, साथ ही साथ जो सांकला क्लासेस एक मोटिव लेकर चल रहा है कि स्ट्रेस फ्री बच्चे की लाइफ हो, वो कॉम्पिटिशन और अपने स्कूल का सब्जेक्ट सब हैंडल तो करें लेकिन हैप्पीली फेयरलेसली, और साथ ही साथ वो प्योरिटी यहाँ पर देखी जा रही है और जो मोटिव एक बहुत अच्छे तरीके से वैदिक एजुकेशन को जो फॉलो किया जा रहा है वो बहुत अच्छी चीज है। तो आप लोग भी जो पेरेंट्स इस वक्त वीडियो देख रहे हैं सोच रहे हैं कि अपने बच्चे का कहां पर करवाएं, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए सांकला क्लासेस, तो आप लोग भी यहां पर पहुंच सकते हैं। बहुत से टॉपर्स यहां से निकले हैं, पिछले 25 सालों का एक्सपीरियंस है। प्रोजेक्ट्स में अगर बात करूं किस तरीके से, कन्या गुरुकुल की बात करूं या निकेतन स्कूल है वहां के कुरुक्षेत्र, या हिमाचल सोलन की बात करूं वहां के स्कूल के प्रोजेक्ट्स जो है लिए जाते हैं। फिलहाल निशान पब्लिक स्कूल के साथ भी प्रोजेक्ट जो है किया जा रहा है सांकला क्लासेस की तरफ से। सो आप लोग भी अगर सोच रहे हैं आपके बच्चे, अगर ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं पेरेंट्स, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सांकला क्लासेस, आज ही पहुंचिए। एंड 28 April को आपका सेकंड राउंड होगा, आप लोग भी 7th से 11th एग्जाम देने के लिए यहां पर पहुंच सकते हैं। दिस इज मी कीर्ति कथूरिया फ्रॉम करनाल ब्रेक।